दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। झारखंड में जारी बड़ी उथल पुथल के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बन्ना गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी गई है। झारखंड सरकार में गठबंधन सहयोगी दलों ने भी चंपाई सोरेन के नाम पर सर्वसम्मति जताई, जिसके बाद सीएम पद के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई। इससे पहले तक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा थी और यही माना जा रहा था कि प्रदेश का अगला सीएम उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। अब सीएम पद पर चंपाई सोरेन आसीन होने जा रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वरिष्ठ नेता और अब तक झारखंड कैबिनेट में मंत्री पद पर रहे थे। सरायकेला विधानसभा सीट से विजयी होकर विधानसभा पहुंचने वाले चंपाई सोरेन के पास राज्य में अब तक आदिवासी कल्याण और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले चंपाई सोरेन की छवि एक धाकड़ तेज तर्रार नेता के तौर पर है। ये राज्य में कोल्हान का टाइगर और झारखंड टाइगर के नाम से खूब मशहूर हैं। ऐसे में सीएम पद के लिए जब इनके नाम की चर्चा उठी तो सभी ने लगभग एक सुर में अपनी सहमति जता दी। अरे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ परेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। चंपाई सोरेन का जन्म जिलिंग गौड़ा में हुआ था। उनके 7 बच्चे हैं। अपनी प्रोफाइल में चंपाई सोरेन खुद को कृषक बताते हैं। जहां तक इनकी क्वालिफिकेशन की बात है, पढ़ाई उन्होंने सिर्फ मैट्रिक तक ही की है। हालांकि राजनीति के मैदान में धुरंधर चंपाई सोरेन 1991 से लेकर अब तक विधायक हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत में उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी शानदार जीत हुई थी। चंपाई सोरेन इससे पहले अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में जीएमएम बीजेपी गठबंधन सरकार में भी मंत्री पद पर रह चुके हैं। साल 1995 में चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े थे, तब से ये संबंध अटूट है। साल 2005 से ही सरायकेला सीट से ये अजय विजयी होते रहे हैं। सरायकेला सीट को इनका मजबूत गढ़ कहा जाता है, जहां इनकी जबरदस्त पकड़ है। झारखंड राज्य के गठन में जीएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ इनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही थी। चंपाई सोरेन को जीएमएम चीफ शिबू सोरेन का सबसे करीबी और बेहद वफादार साथी कहा जाता है। इनकी अपनी पार्टी में इनकी तगड़ी धाक है, जबकि राज्य में सरकार के गठबंधन दलों के बीच भी इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। चंपाई सोरेन का झारखंड की राजनीति में काफी बड़ा रोल है। यही वजह है कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी समेत सीएम की रेस में चल रहे अन्य चेहरों में भारी पड़े और आखिरकार उन्हीं के नाम पर मुहर लगाई गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।